हेलो स्टूडेंट्स, आज ही हमारे साथ आस्था भारद्वाज, जिन्होंने एएमयू 11th एंट्रेंस 2024 में साइंस स्ट्रीम में ऑल इंडिया रैंक 3 सिक्योर करी और साथ ही साथ ह्यूमैनिटीज में भी इनका रैंक ऑल इंडिया रैंक 11 रहा था। तो आज इनके साथ पूरा पर्सनल इंटरेक्शन रहेगा कि किस तरीके से इन्होंने तैयारी करी और कैसे इस अचीवमेंट को सिक्योर किया। तो सबसे पहले आस्था, आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बच्चों को बता दें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आस्था भारद्वाज है और मैंने 2024 में एएमयू एंट्रेंस एग्जाम दिया था, जिसकी प्रिपरेशन मैंने कटारा एग्जाम प्रिपरेशन ऐप से करी थी। तो मतलब आपका जो प्रिपरेशन रहा था कम्प्लीटली कटारा की एप्लीकेशन से रहा था। अच्छा, मतलब किस तरह की चीजें आपको वहां पर देखने को मिली जिससे आपने ऑल इंडिया रैंक 3 जैसे सिक्योर किया, तो क्या क्या मतलब वो चीजें आपको वहां देखने को मिली? बहुत सारे फीचर्स थे जो कि एक्सक्लूसिवली इस ऐप में मुझे देखने को मिले, जैसे कि टेस्ट का फीचर, काफी मतलब वीकली टेस्ट होते थे जिसने मुझे बहुत हेल्प किया, और लाइव क्लासेस होती थी जिसका एक ऑप्शन ये भी रहता था कि रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं अगर उस टाइम पे हम प्रेजेंटली क्लास नहीं देख पा रहे हैं, तो दोनों तरीके से हम क्लास को देख सकते हैं। अच्छा, बेसिकली मतलब आपका ये कहना है कि एक तो मॉक टेस्ट वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे, और दूसरा जो रहा वो रहा आपके रेगुलर बेसिस पे क्लासेस, इफ समहाउ अगर आप क्लासेस नहीं देख पाए तो वो क्लासेस आप रिकॉर्डेड भी देख पाते थे, ये सारी चीजें आपको देखने को मिली। अच्छा, कंटेंट, ये कंटेंट का बड़ा रहता है, बच्चों को हमेशा से प्रॉब्लम रहती है क्योंकि एएमयू 11th एंट्रेंस का हमारे पास किसी भी तरह का कोई स्पेसिफिक गाइडेंस स्टडी मटेरियल नहीं रहता कि हाँ हमारे पास ये गाइडेड स्टडी मटेरियल है। मार्केट्स में बहुत तरह की बुक्स वगैरह वगैरह मिलती हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो आपने स्टडी मटेरियल के लिए मतलब क्या किया? रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं जो कि सीबीएसई में रिलेटेड होते हैं, हमने नहीं पढ़े होते हैं, और ऐसे सब्जेक्ट जैसे कि इंडो इस्लामिक चीजें, उससे भी हमने पहले कभी बिल्कुल में पता ही नहीं था कैसे किस टाइप। हाँ, एग्जैक्टली ये चीजें नहीं पढ़ी होती बच्चों ने, बट जैसे मैंने पूरी तरीके से स्टडी मटेरियल जो प्रोवाइड किया गया था कोर्स के साथ ही उस पर मैं रिलाई करी थी, वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड था। और जैसे मैंने और भी बुक्स देखी थी उसमें काफ़ी सारा बहुत सारी फैक्चुअल चीज़ें जो बिल्कुल किसी काम की नहीं, एग्जाम में भी नहीं पूछी जाती है, बहुत सारी चीज़ें देखी होती हैं, उन सबको प्रिपेयर हम कर भी नहीं सकते हैं और करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। बट जो यहाँ पे कोर्सेज में जो हमें बुक्स मिली थी वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड थी, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर मतलब सब चीज़ें इंक्लूडेड थी, PYQs, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, सब चीज़ें मेरे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। हाँ एग्जैक्टली, अगर स्टडी मटेरियल एकदम ठीक है तो फिर ऐसी स्थिति में हमारे पास बच्चों के पास रहता है कि हमारे को ये पढ़ना होता है। तो मतलब आप ये कहना है कि आपने जो कटारा से बुक्स मिली वही आपने पढ़ी, उसके अलावा कुछ नहीं? हाँ बिल्कुल, एकदम फुली आपको ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल वहाँ पे मिल गया था, एग्जाम ओरिएंटेड। ओके, अच्छा मतलब जैसे आपको कभी डाउट्स होते थे तो उनके लिए फिर आप क्या करते थे? मतलब सपोज आप तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे आपका पढ़ाई चल रहा था, एंड इफ यू आर गेटिंग एनी डाउट्स, तो फिर उनको रिजॉल्व करने के लिए आप किस तरह का स्टेप लिया करते थे? एट द मोमेंट लाइव क्लास में अगर कोई डाउट हो रहा है तो वहाँ पे बॉक्स में पूछ लेती थी, और सभी टीचर्स बहुत फ्रेंडली तरीके से उसे काफ़ी एक्सप्लेन कर देते थे। नहीं तो मैं ऑफलाइन भी अगर कभी आती थी, सब टीचर्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वे में सब एक एक डाउट उसे ढंग से क्लियर कर देते। मतलब नॉर्मली अगर आपका एप्लीकेशन पे डाउट बन रहा है वाल वॉचिंग क्लास, तो आप उसी समय क्लियर कर पाते थे, और नहीं बन पा रहे नहीं उस समय कर पाए तो आप एकेडमी भी आ जाते थे। चलो मतलब ये आपने इस चीज़ का ज़्यादा एडवांटेज लिया, आप एकेडमी भी आ जाते थे। अच्छा, मॉक टेस्ट आप रेगुलर बेसिस पे एकेडमी मतलब एप्लीकेशन पर ही दिया करते थे? एप्लीकेशन पे दिया करती थी मैं इनिशियली, क्योंकि एप्लीकेशन पे काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होते हैं, अपने अकॉर्डिंगली घर पर बैठ के दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, एंडिंग में मैंने दिया था थोड़ी बहुत, क्योंकि OMR बेस्ड OMR दी जाती है, काफ़ी हेल्पफुल रहता है। मतलब लास्ट में आपको इस चीज़ का भी फैसिलिटी मिला था कि आप कटारा एकेडमी में आके ऑफलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं? बिल्कुल, एग्जाम वाली फीलिंग, बिल्कुल वैसी फीलिंग आपको आया होगा, वही नर्वसनेस, वही सारे चारों तरफ बच्चे, उसी तरह का फील आपको आया होगा कि हाँ एग्जाम भी मेरा इसी तरह का होगा। अच्छा आस्था, आपने अभी रिसेंटली बताया कि आपने ह्यूमैनिटीज में भी ऑल इंडिया रैंक 11 सिक्योर करी, तो उसके लिए क्या आपने पढ़ा, मतलब उसके लिए भी आपने यहीं से तैयारी करी सारी? बिल्कुल सर, मैंने यहीं से ही तैयारी करी थी, उसमें मेनली जो SST का पोर्शन होता है वो सर आपने काफ़ी अच्छे से करवा दिया था, क्योंकि काफ़ी टाइम से 9th-10th में पढ़ी होती है, डिग्री पोर्शन भी होता है, डेट्स वगैरह की प्रॉब्लम आती है, तो exactly. हाँ सर, वो आपने जैसे क्लास में आप बताते जाते थे तो एकदम फोर्सफुली याद करने की उसे ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब आराम से मैं क्लास देखती थी, नोट्स बनाती थी, तो अपने आप ही वो याद आ जाती थी। मतलब मेन चीज़ ये है कि 9th-10th में जो बच्चों को रटा दिया जाता है yes. तो वो चीजें वहां पर नहीं हुई, बहुत आराम से आपने वो भी तैयारी कर ली, और एक्टिविटी बनते-बनते आराम से, और इस वजह से आपने साइंस में भी ऑल इंडिया रैंक 3 सिक्योर कर ली और ह्यूमैनिटीज में भी ऑल इंडिया रैंक 11 है ना। अच्छा मतलब आस्था, अभी आप जैसे और भी बच्चे हैं जो एस्पिरेंट्स हैं जो एएमयू 11th एंट्रेंस को क्रैक करना चाहते हैं,
एवरीबडी हैज दिस ड्रीम कि हाँ मेरे को एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव टू ज्वाइन एएमयू। नॉर्मली 10th क्लास के बाद बच्चे के दिमाग में रहता है और जाना भी चाहिए क्योंकि एएमयू जैसा इंस्टीट्यूशन इतने कम प्राइसेस में पूरी तैयारी कराता है, आपको आगे तक का फ्यूचर सिक्योर करके देता है। तो इसकी तैयारी कब से कर लेनी चाहिए, मतलब व्हाट यू थिंक कि हाँ सर इस समय से बच्चे को तैयारी कर लेनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि तुमने अगर इतनी अच्छी रैंक सिक्योर करी है तो व्हाट यू थिंक कि प्रिपरेशन कब से शुरू करनी चाहिए। सबसे पहले आपने अगर माइंडसेट बना लिया अपना तो आप कंफर्टेबली, जैसे अभी 10th कई बोर्ड्स एग्जाम भी देने होते हैं आपको, तो जैसे अभी मैंने देखा अभी भी क्लासेस चल रही हैं तो वो पहले 10th की क्लास को ज़्यादा सिलेबस में लेके करा रहा है, तो आप अभी से भी कर सकते हो, 10th के टॉपिक्स पहले कर लो देन 9th के कर लो, तो आप जब कंफर्टेबल हो तब। मतलब मेन चीज़ ये है कि लास्ट टाइम पे थोड़ा सा ऐसा ना हो कि लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग से ही आप ले लीजिए। स्टार्टिंग से कि जैसे सपोज करो इफ यू आर इन क्लास 10 तो ही आप अपनी तैयारी वहां से शुरू कर सकते हैं, इससे 10th में परसेंटेज भी अच्छे बन जाते हैं। अच्छा मैंने सुना आपके 10th में भी बहुत अच्छे परसेंटेज थे, जैसे दोनों की मतलब कंबाइंड स्टडी कर 10th में क्या परसेंटेज थे आज तक तुम्हारे? सर 10th में 97.4%, मतलब आपने 10th में भी इतने अच्छे परसेंटेज सिक्योर किए एंड देन आफ्टर दैट यू गॉट ऑल इंडिया रैंक 311। अच्छा आस्था अभी लास्टली आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि मतलब उन्हें अपनी तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए? आप बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड वे में, जैसे कि सब टीचर्स क्लासेस लेते हैं, वो काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं, जो भी सिलेबस टू द पॉइंट चीज़ें होती हैं पढ़ाते हैं, तो आप उसको ढंग से क्लासेस को देखो, नोट्स बनाओ, एंड देन जो स्टडी मटेरियल मुझे काफ़ी अच्छा लगा था क्योंकि उसमें PYQs थे, कोई फालतू के क्वेश्चन नहीं थे जो कि एग्जाम में भी नहीं आते, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन NCERT एग्जाम पर से मिले होते, तो वो सब आप सॉल्व करो, आराम से आपका सब पूरा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा विद इन टाइम। आस्था यू आर फ्रॉम CBSE बोर्ड ना, अच्छा व्हाट डू यू थिंक अगर बच्चा कोई हिंदी मीडियम का है तो उसके लिए किस तरह का सॉल्यूशन हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू, ना आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्योंकि क्लासेस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में दोनों चलती है, तो आप हिंदी मीडियम से भी कर सकते हो उनकी क्लास में स्टडी मटेरियल भी आई थी, मतलब तो बेसिकली मतलब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों आपके एप्लीकेशन पे मिल जाता है। अच्छा और कोई स्पेसिफिक चीज़ जो आपको देखने को मिली कि सर ये थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगा और ये चीज़ मेरे एग्जाम में थोड़ा हेल्प किया, मतलब कोई स्पेसिफिक पॉइंट चीज़? टू बी स्पेसिफिक, सबसे अच्छा मुझे मॉक टेस्ट ने बहुत हेल्प करी। अच्छा वेरी स्पेसिफिक कि आपको मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा अच्छे लगे हैं। अच्छा मॉक टेस्ट में मतलब जैसे ऐसा होता है कि आपने कितने मॉक टेस्ट दिए थे अपने पूरे कोर्स में? मॉक टेस्ट मैंने 15 दिए थे, 15 मॉक टेस्ट दिए थे, वो वीकली मॉक टेस्ट होते थे जितना सिलेबस कवर होता था, मतलब वीकली मॉक टेस्ट आपने 15 दिए थे। अच्छा एग्जाम में उधर से कुछ देखने को मिला था? बिल्कुल सर, मतलब जिस टाइप के क्वेश्चंस होते थे मॉक टेस्ट में आते थे उसी सेम टाइप के, और कुछ क्वेश्चन सेम भी होते थे एग्जाम्पल के क्वेश्चंस में जुड़े हुए, तो वही एग्जाम में उसी टाइप के आते थे, मतलब जितना स्कोर मेरा मॉक टेस्ट में बैठता था उतना ही मेरा रियल एग्जाम में बैठा, तो अच्छा एग्जैक्टली कॉपी सेम? यस सर वैसा ही स्कोर बैठा, मतलब मेरे जिस टाइप के मॉक टेस्ट में स्कोर आता था वैसे ही। ओके अच्छा लगा काफी आपसे बात करके आस्था। अच्छा बच्चों को कोई गोल्डन टिप्स आप देना चाहेंगे कि आप अभी से किस तरीके से तैयारी शुरू कर सकते हैं, दोज स्पेसिफिकली दोज कैंडिडेट्स हु आर इन क्लास 10th राइट नाउ? अभी आप क्लास 10th में हैं तो आप जो भी कॉमन सिलेबस है डिलीटेड पोर्शन को अभी आप बात नहीं रख सकते क्योंकि वो थोड़ा कम होता है, तो आप पहले जो आपका जो कॉमन सिलेबस है वो अच्छे से कर लो, देन आप डिलीटेड पोर्शन भी कर सकते हैं। तो थैंक यू आस्था, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा, तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट इंटरव्यू में। जय हिंद जय भारत।